हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ दिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे एल्गी। ये एल्गी किस में आता है? प्लांट्स में, है ना। तो जो प्लांट किंगडम है उसमें एल्गी एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम पढ़ेंगे, एल्गी में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जो एल्गी है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिंपल होती है, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स की बॉडी देखें, हायर प्लांट्स की, तो उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि एल्गी की जो बॉडी है वो सिंपल होती है, ठीक है। और कैसी होती है इनकी बॉडी? थैलोइड, है ना। थैलोइड का मतलब क्या है कि इनका जो टिश्यू होगा वो अनडिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है। तो कैसा होगा? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट के जैसा दिखेगा, हरे कलर का, है ना, एल्गी, तो हरे कलर का तो दिखेगा, पर इसमें ना तो रूट होगी, है ना, और ना स्टेम होगा, ठीक है, और ना ही लीव्स होंगी, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। और इसका टिश्यू भी अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, है ना, इसलिए इसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलोइड, ठीक है। और सारे जितने भी एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, है ना, यानी खुद का फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब अधिकतर जो एल्गी हैं वो कैसी होती है? एक्वेटिक होती है, यानी फ्रेश वाटर में भी पाई जाएगी और मरीन वाटर में भी पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जा सकती है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कहाँ पाई जाएगी? जो मॉइस्ट स्टोन्स होंगे, है ना, ऐसे स्टोन्स जहाँ पर नमी हो, ठीक है, वहाँ पर ये उग सकती है। और मॉइस्ट सॉइल में उग सकती है, है ना, नम सॉइल में जिसमें पानी की मात्रा हो थोड़ी बहुत, और जो नम वुड होती है उस पर भी ये उग सकती है, ठीक है। तो इस तरह से एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में पाई जाती है, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एल्गी ऐसी होती है जो एसोसिएशन में पाई जाती है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? जैसे फंजाई, है ना। तो जब एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहती है, है ना, ये एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। तो एल्गी जब फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहती है तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन किसका नाम है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, कौन कौन से? एल्गी और फंजाई, ठीक है। इसके साथ साथ एल्गी किसके साथ पाई जा सकती है? एनिमल्स, है ना। तो यहाँ पर ये एक एनिमल की बॉडी पर पाई जाती है, कौन से एनिमल की बॉडी पर? स्लोथ बियर, है ना। तो जो स्लोथ बियर है उसकी बॉडी पर क्या पाई जाती है? एल्गी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हुए इसके जनरल कैरेक्टर्स। इसके बाद ये अलग अलग रूपों में पाई जा सकती है, है ना, कौन कौन से रूप में पाई जा सकती है? कॉलोनी के रूप में भी रह सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, ठीक है। कॉलोनियल में एग्जांपल की हम बात करें तो वॉलवॉक्स, है ना। तो ये जो वॉलवॉक्स एल्गी है ये कॉलोनी में पाई जाती है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस कॉलोनी बनाकर रहते हैं वैसे, ठीक है, इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी वॉलवॉक्स से एक जगह, कॉलोनी बना देती है, आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा किसके रूप में पाई जाती है? फिलामेंटस के रूप में, है ना। जैसे ये फिलामेंट है, जैसे धागा होता है, तो उसी तरह से जो अलग अलग एल्गी है वो फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो फिलामेंटस भी हो सकती है, कौन सी एल्गी फिलामेंटस होगी? यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स, ठीक है, एंड स्पाइरो वगैरह। ठीक है, तो ये दो एल्गी है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह, जो फिलामेंटस एल्गी के रूप में पाई जाती है, ठीक है।
इसके अलावा जो एल्गी है वो मैसिव प्लांट बॉडी के रूप में पाई जाती है, ठीक है, मैसिव प्लांट बॉडी के रूप में भी पाई जाती है। तो ये मैसिव प्लांट बॉडी कहाँ पर पाई जाती है? समुद्र में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मरीन फॉर्म, क्योंकि ये समुद्र में पाई जाती है। तो इसका एग्जांपल है जैसे केल्प, है ना। तो केल्प को जब हम देखते हैं तो ये समुद्र में किस तरह से रहती है, जैसे ये वाटर है, है ना। तो वाटर में ये बॉटम लेवल से स्टार्ट होती है, है ना, और इस तरह से फैली हुई रहती है, इस तरह से जैसे प्लांट फैला हुआ रहता है, उसे हम इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी कई मीटर्स तक ये फैली हुई रहती है समुद्र में, ठीक है, और प्लांट लाइक बॉडी का फॉर्मेशन करती है, जिसे बड़े प्लांट्स दिखते हैं सेम उसी तरह की स्ट्रक्चर बनाती है कैल्प, ठीक है, जो कि वहाँ पर लार्ज प्रोड्यूसर का काम करती है, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना होता है कैल्प, है ना। अब इसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से पाया जा सकता है इसमें। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था अभी फिलामेंटस एल्गी, तो उसमें क्या होता है, जैसे फिलामेंटस एल्गी है, है ना, तो इसमें इस तरह से टुकड़े बन जाएंगे, है ना, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, सभी क्या है, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और हर फ्रेगमेंट किसका फॉर्मेशन करेगा? न्यू एल्गी का, ठीक है। तो इस तरह से जो एल्गी है उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होगा? जू स्पोर्स के द्वारा, है ना। तो ये स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स, ठीक है। तो ये जू स्पोर्स फिर जर्मिनेट करेंगे, है ना, और जर्मिनेट करके न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये जो जू स्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं? फ्लेजिलेटेड, ठीक है, यानी इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लेजेला। तो फ्लेजेला प्रेजेंट होने की वजह से ये जो जू स्पोर्स हैं वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी गति करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? गेमिट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, ठीक है। तो गेमिट्स किस तरह फ्यूज करेंगे? तो उस बेसिस पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, तो यहां पर पहले टाइप की बात करते हैं हम, आइसोगेमस, है ना, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आइसोगेमस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहां पर जो जो गेमिट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज, ठीक है, सिमिलर इन साइज, ठीक है, सिमिलर इन साइज गेमिट्स, ठीक है। साइज गेमिट्स कैसे होंगे? साइज में सिमिलर होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो इन सिमिलर गेमिट्स का आइसोगेमस रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये जो सिमिलर गेमिट्स हैं ये फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लेजेला प्रेजेंट भी हो सकते हैं और फ्लेजेला एब्सेंट भी हो सकते हैं इन गेमेट्स में, ठीक है। तो कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें
जो गैमेट्स हैं उसमें फ्लेजेला पाए जाते हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं, यूलोथ्रिक्स है ना, यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, है ना, और उनमें फ्लेजेला प्रेजेंट होते हैं। नॉन फ्लेजिलेटेड कौन से हैं, एग्जांपल की बात करें तो स्पायरोगायरा, ठीक है। तो इस तरह से आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है। अगला टाइप है एन आइसोगेमस, तो एन आइसोगेमस में क्या होता है, यहां पर जो गेमिट्स होंगे है ना, वो कैसे होंगे, डिसिमिलर, है ना, डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, यानी जो गैमेट्स हैं वो साइज में असमान होंगे। तो एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, यूडोरिना, है ना। तो यूडोरिना में गैमेट्स कैसे पाए जाते हैं, डिफरेंट साइज के, ठीक है। अगला टाइप है ओगेमस, तो यहां पर ओगेमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गेमिट्स बनते हैं, ठीक है, मेल गेमिट है ना, प्लस फीमेल गेमिट, ये दो गेमिट्स बनते हैं, ठीक है। तो दोनों का फ्यूजन होता है, यहां पर जो मेल गेमिट है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है ना। तो मोटाइल है इसकी वजह से इसमें क्या पाए जाएंगे, फ्लेजेला, ठीक है, तो इसमें फ्लेजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेल गेमिट की जो साइज है वो छोटी होती है, यानी साइज में छोटा होता है इस तरह से, ठीक है, और जो फीमेल गेमिट है वो साइज में बड़ा होता है, इस वजह से ये जो फीमेल गेमिट है ये नॉन मोटाइल होता है ना, और इसमें फ्लेजेला एब्सेंट होते हैं, फ्लेजेला एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल वोल्वोक्स, फ्यूकस, है ना, एटसेट्रा। तो ये फ्यूकस वोल्वोक्स में किस तरह के गेमिट्स बनते हैं, दो तरह के, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ठीक है, दोनों साइज में सिमिलर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एनाइसोगेमस और ओगेमस रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पर जो गेमिट्स हैं एनाइसोगेमस में मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, जबकि ओगेमस में हम क्या देखते हैं कि जो मेल गेमिट है वो मोटाइल होगा और फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल होगा, ऐसी बाउंडेशन किसमें नहीं है, एनाइसोगेमस में, ठीक है। सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि यहाँ पर जो गेमिट्स हैं वो डिसिमिलर होते हैं साइज में, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप इसमें डिफरेंसेस। अब आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, तो जो एल्गी है उसका क्या महत्व होता है, आर्थिक महत्व, वो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल प्ले करती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, ये जो एल्गी है वो क्या होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से कहाँ पर होगी, ये एक्वेटिक हैबिटेट में, ठीक है, जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है वहां पर ये बहुत सारे फूड का फॉर्मेशन करती है। कैसे फॉर्मेशन करती है, क्योंकि जो एल्गी है उसमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, है ना, पिगमेंट्स कौन कौन से, जैसे क्लोरोफिल, ठीक है। तो इस तरह से एक्वेटिक हैबिटेट में ये फोटोसिंथेसिस की वजह से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती है, ठीक है। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्ट किसको खाते हैं, एल्गी को, एक्वेटिक हैबिटेट में, ठीक है। अब वहां पर फोटोसिंथेसिस करती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, O2, है ना, तो धीरे धीरे जो वाटर है उसमें O2 का लेवल बढ़ता जाता है, जिससे जो वाटर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और जहां पर एल्गी ज्यादा है उस जगह पर क्या होगा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से होगा वहां पे, है ना, और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर रह रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगी, ठीक है। तो
तो इस तरह से ऑटो का लेवल बढ़ाती है और जो पोल्यूशन है उसको डिक्रीज करती है ना। तो वाटर में पोल्यूशन को ये डिक्रीज करती है एल्गी, है ना। और इसके अलावा जो CO2 फिक्सेशन है ना, टोटल जो CO2 फिक्सेशन है उसका जो आधा भाग है वो आधा भाग किसके द्वारा किया जाता है, एल्गी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से CO2 के फिक्सेशन में जो एल्गी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब इसके अलावा आगे फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, तो फूड के रूप में कैसे, तो यहाँ पर कुछ स्पीसीज हैं, स्पीसीज ऑफ ओरफायरा, है ना, लेमिनेरिया एंड सर्गेसम, ठीक है। तो इन एल्गी की जो स्पीसीज हैं उनका यूज फूड के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक एल्गी है क्लोरेला, ठीक है। तो ये जो क्लोरेला है इसका यूज किस में किया जाता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में, ठीक है। फूड सप्लीमेंट के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से जो क्लोरेला है उसको और कौन यूज करता है, स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। यानी स्पेस में जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो किसका यूज करते हैं, फूड के रूप में क्लोरेला का, ठीक है। तो इस तरह से फूड के रूप में यूज की जाती है। अगला है इसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, तो इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यूज होता है, तो एल्गी के द्वारा क्या बनाया जाता है, अगार, या अगार अगार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो अगार एल्गी के द्वारा बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसका यूज इंडस्ट्री में किस लिए किया जाता है, है ना। तो अगार अगार का यूज कल्चर मीडिया के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, है ना। तो ये जो कल्चर मीडिया है वो ग्रोथ कराने के लिए जरूरी होता है, किसकी ग्रोथ के लिए, माइक्रोब्स की, है ना, माइक्रोब्स और प्लांट टिश्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोब्स प्लांट टिश्यू की ग्रोथ के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, अगार अगार, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए जो अगार अगार है वो फूड का काम करता है, इस तरह से प्लांट टिश्यू के लिए भी फूड का काम करता है, है ना। इसके अलावा इमल्सिफायर के रूप में अगार अगार का यूज किया जाता है। इमल्सिफायर के रूप में किसको तैयार करने के लिए किया जाता है, इसको आइसक्रीम तैयार करने के लिए और जो फ्रूट जेलीज हैं उनको तैयार करने के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर अगार अगार का क्या रोल होता है, आइसक्रीम, फ्रूट जेली और डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए ये इमल्सिफायर का काम करती है, है ना। तो इमल्सिफायर क्या होता है, ये जो इमल्सिफायर है ये वाटर और ऑयल को मिक्स कर देता है, सोल्यूबल कर देता है, ठीक है। अब अगला है हाइड्रोकोलोइड्स। तो जो हाइड्रोकोलोइड्स हैं वो क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है इनका यूज हम किस में करते हैं, जैसे सॉस है, है ना, इस मार्केट में जो टोमेटो का सॉस आता है या जो अदर सॉसेस आते हैं, चटनी, मिर्च का सॉस आता है, तो उनमें क्या होता है कि जब हम सॉस बनाते हैं, है ना, मिक्सी में पीस कर, तो वो जो चटनी है वो पानी छोड़ने लग जाती है, ठीक है। तो ये तो घर में होता है जिसको हम एक दिन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि मार्केट में आने वाले जो सॉस हैं वो उनको महीनों तक सुरक्षित रखना होता है कि उनका जो वाटर है वो अलग ना हो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उस सॉस में हाइड्रोकोलोइड्स डाले जाते हैं, तो वो हाइड्रोकोलोइड्स उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सॉस से अलग नहीं होते हैं और इसकी वजह से जो सॉस का टेक्सचर है वो बना रहता है, ठीक है। तो जो मार्केट में सॉस आता है वो महीनों भर खराब नहीं होता है हाइड्रोकोलोइड्स की वजह से, ठीक है। तो कौन कौन से हाइड्रोकोलोइड्स एल्गी से प्राप्त किए जाते हैं, तो एग्जांपल्स देखते हैं उनके नाम। तो जैसे एल्गिन, है ना, तो ये जो एल्गिन है ये किससे प्राप्त किया जाता है, ब्राउन एल्गी से,
ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है कारागिनन, ठीक है। तो ये कारागिनन किसे प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गी से, है ना। तो ये दो हाइड्रोकोलोइड्स हैं, एल्गिन और कारागिनन, जो इन एल्गी से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना एल्गी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी की क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।